हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर जो हमारा 44 है। अभी तक हमने स्टडी किया था सेक्शन नंबर 37 to 43 हम स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। क्या इफेक्ट पड़ेगा जब कोई प्रोमिसी है वह एक प्रोमिसर को रिलीज कर दे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, प्रोमिस से, ठीक है। तो उसका हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वहां पर सभी के सभी जो जॉइंट प्रोमिसर है वह रिलीज हो जाएंगे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी उस प्रोमिस के प्रति। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सेक्शन नंबर 44 के अंदर। तो आपको मिलने वाला है आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर। तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा रिलीज होने के बाद एक जॉइंट प्रोमिसर के एक प्रोमिस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। वेयर टू और मोर पर्संस हैव मेड ए जॉइंट प्रोमिस, जहां पर ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, ये कौन है जॉइंट प्रोमिसर। क्या करते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये कौन है, ये है हमारा प्रोमिसी, ठीक है। अब बात करते हैं ए रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स। तो जो हमारा ए है, ठीक है, दरियादिल व्यक्ति है, ये क्या करता है बी को रिलीज कर देता है, किस चीज से, प्रोमिस से इसको रिलीज कर देता है कि भैया आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा अब, ठीक है। तो इसको बोल देता है कि आपसे अगर नहीं हो पा रहा तो आप रहने दीजिए। डोंट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर। तो मान लीजिए इसने इसको डिस्चार्ज कर दिया, बी को बोल दिया, ठीक है। अब सी क्या सोचता है, भैया हमसे भी नहीं हो पा रहा है। डी सोचता है हमसे भी नहीं हो पा रहा है। ई सोचता है हमसे भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह खत्म नहीं होगी। ए ने सिर्फ बी को डिस्चार्ज किया है अपनी मर्जी से, सिर्फ सिंगल बी जो जॉइंट प्रोमिसर था, किसके साथ, सी डी और ई के साथ। लेकिन सी डी और ई को क्या है, रिलीज नहीं किया है, रिलीज नहीं किया है, ठीक है। तो यहां पर इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 44 के अंदर यही बोला गया है, neither does it free the joint promisers so released from responsibility। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह खत्म नहीं होगी एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ठीक है। यानी इनको अगर पैसे देने थे तो पैसे देने पड़ेंगे, सामान डिलीवर करना था तो सामान डिलीवर करना पड़ेगा। अगर अन्य किसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वह चीज इनको अपना जो पार्ट है तीनों को, ठीक है, यानी जॉइंट प्रोमिस जो बना है उस प्रोमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है सेक्शन नंबर 44 के अंदर, प्रोमिसर सो रिलीज्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स, सिर्फ उस व्यक्ति के अलावा, ए सी डी ई, ठीक है, सिर्फ यानी बी को रिलीज किया है तो बी के अलावा तीनों व्यक्ति है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और उस कॉन्ट्रैक्ट को ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हमारे जो जुडिशरी का एग्जाम होता है उसके अंदर 100% क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो भैया अगर आप जुडिशरी करना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। वकालत करोगे ना तो उम्र गुजर जाएगी, लेकिन वकालत करने के लिए इतना टाइम लग जाता है, आप एक अच्छे वकील बनने के लिए सालों की मेहनत लगती है, और जुडिशरी के लिए आपको 2 या 3 साल अगर रेगुलर दम लगा के तैयारी करोगे ना तो आप जल्दी से जल्दी क्या बन जाओगे, जज बन जाओगे। और एक अच्छा वकील बनने के लिए वकालत के अंदर महारत हासिल करने के लिए आपको ना सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वकालत बहुत ज्यादा महंगा शौक है, सबके बस की बात नहीं है। ये अलग बात है कि पैसा बहुत है, पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक की।
जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोमिस ही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस व्यक्ति को रिलीज करे कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोमिसर है, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोमिसर है हमारा, वह क्या कर दे, वो बोल दे कि भैया आपने तो बोल दिया यह रिलीज हो गया तो हम भी रिलीज हो गए, तो यहाँ पर इसकी नहीं सुनी जाएगी। अगर आप कोर्ट के अंदर गए हो और आपने सिविल सूट देखा है, तो वहां पर जो हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है कई बार कई केसेस के अंदर, तो वहां पर जो हमारा प्रोमिसी है वह क्या कर देता है, बोल देता है किसी एक पार्टीज को या फिर उस पार्टीज को जो सूट के दौरान, यानी सूट जब वह डालता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, यानी जो भी जॉइंट प्रोमिसर है उनके अगेंस्ट में, तो वह उस व्यक्ति को पार्टी नहीं बनाता है। तो उसका रीजन यही होता है कि वह एक व्यक्ति को रिलीज कर दे, ठीक है। तो अदर पार्टी है वह यह नहीं बोल सकती है आपने इसको पार्टी क्यों नहीं बनाया, तो वह इसके ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा प्रोमिसी है, ठीक है। प्रोमिसी कहा गया अपना, हमारा जो प्रोमिसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस व्यक्ति को रिलीज करे, ठीक है। तो अदर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह खत्म नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।